अच्छा, वेलकम बैक पीपल। फाइनली आई एम एट अ सैलून और मेरे साथ है मिस मुनज्जा। हेलो एवरीवन। हाँ यार, ये वही बंदी है जिसको आपने टिकटॉक पे देखा है फेमस हेयर कट करते हुए। इनकी टेक्निक बहुत फेमस है और हर बंदा फैन है। इवन मेरी खाला बहुत फैन है आपकी। उनके माशाल्लाह बाल लंबे हैं, तो वो कह रही थी कि मैंने भी जाना हेयर कट कराने, लेकिन मैंने कहा जरूर, मैंने कहा मैं करा के आती हूँ, तुम्हारा भी कट कराएंगे। वेल आप बताओ कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ ये चीज़, और आपने स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं ना ऐसे ही ना टिकटॉक देखती थी। अच्छा, तो मैंने कहा चलो, मैंने ना एमी एक मेरे पास क्लाइंट आया, तो उनका बाल काफी थिक है ना, मैं मेरी 2017 की मेरी क्लाइंट ना, उनका बाल काफी थिक है, तो मैं उनके बालों में ना थिनिंग करती थी ना वो सीजर के साथ, तो मेरे पास उस दिन बहुत क्लाइंट था, मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने उनके बालों को टॉप को उठाया, लेकिन यार चार्जेस बड़े ज्यादा है। मैंने ना पहले कॉल की तो मैंने बुकिंग करा दी थी कि शायद थर्सडे या फ्राइडे होगा, क्योंकि मुझे था कि फ्लाइट अगर डिले होगी, कुछ सीन हो गया तो क्या होगा, लेकिन फिर अभी मेरी थोड़ी सी बहस होगी जो मैंने कॉल की, तो कहती है कि मतलब दो का तो अवेलेबल नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, दोनों ही हेयर कट कराएंगे। आपके सामने मैं कितना बिजी होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यार, इनके वीडियो के ऊपर वीडियोस आ रही होती हैं और मैडम हेयर कट कर रही होती है। आप बताएं आप फैसलाबाद कब आएंगी? चले मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, फैसलाबाद क्योंकि हम टिपिकल फैसलाबादी बड़े चिल माहौल के बंदे हैं, हमारी बातचीत हमारी शुरू हो जाती है। मैं भी देसी हूँ, पंजाबी, और मैं भी बहुत चिल माहौल की। अभी हम हेयर कट स्टार्ट करेंगे, पहले अम्मा का कर लेते हैं, ठीक है? साथ साथ दो सेगमेंट्स आपको दिखाऊंगी, देन मेरा करेंगे, ठीक है? पहले इनके बाल चेक करते हैं, बिल्कुल इनके फेस पे क्या एग्जैक्टली कौन सा सूट करेगा, और फिर आप जो रेकमेंड करेंगे हम उसी हेयर कट पे जाएंगे। जी जी आ जाएं। इनके सैलून का नाम है जी पिंक सैलून, ठीक है? ये यहाँ पे काम कर रही है, DHA फेज 8 के अंदर है, पेट विलेज के बिल्कुल साथ इनका सैलून, छोटी सी एंट्रेंस है, आपको ये इजीली मिल जाएगी लोकेशन, जबकि मुझे इजीली नहीं मिली, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। लेकिन अभी मैं उनसे बात करूंगी कि मुझे कौन सा हेयर कट सूट करेगा, क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे पता है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि भाई मुझे बहुत गंदा हेयरफॉल रह चुका है, बहुत मैंने अपने बाल जाया किए, खराब किए। अभी हम देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट मेरा हेयर कट था बैक इन 2021, तो लेट्स सी कि अभी कैसा चलता है। मिडल, हाँ मुझे रिसेंटली लगने लगा है कि मुझे मिडल सूट करता है, क्योंकि आपकी ये चीज बहुत ज्यादा इनहेंस और बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, है ना? मिडल वाला करें, हाँ बहुत, इसके साथ हम मिडल, लेकिन आप जो ना शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, ये सिर्फ, हाँ मैं शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, मैंने ना वो वाला हेयर कट लिया जो बैक से हमारे पास 1 इंच में आता है और जस्ट अ लेयर, वो मैंने, हाँ एंगुलर, हाँ वो ना मैंने लिया था 2021 में, मैंने बड़े अरसे तक वो रखा है, हाँ, तो मतलब मैंने वो तकरीबन ना 5-6 साल वो हेयर कट रखा है। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको चेंज आ रही थी, और मुझे चेंज के लिए रीजन तुम नजर आई। इसने कहते ज्यादा तारीफें करी, बट कोई ऑफ नहीं मिलने वाला भाई, तुम लोगों को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ा सा कट मैं बहुत शॉर्ट नहीं, लेकिन इतना हम करेंगे कि आपके ना यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्यारा लगेगा आपके फेस के साथ। दिल जीत लिया और आपने हमारा माइंड चेंज कर दिया, हमारा हेयर कट कर दिया, और बहुत कितने साल हो गए वैसे आपको? मुझे इस फील्ड में हो गए 11 साल, लेकिन सॉरी, और पैंट्स पे हो गए मुझे 9 साल। यार बड़ा बड़ा टाइम हो गया यार तुम्हें काम करते हुए, अभी तो तुम्हें शक्ल देख के पता लग जाता होगा कि किस पे क्या सूट करना है ना, फौरन से माइंड में आ जाता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही, अच्छा अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर आपके जो हम फ्रंट पे करेंगे ना, उसके साथ ही हम आपके जो लेयर्स हैं उसका कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और जब आपका बैक है ना, बैक पे भी हम बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं करेंगे, क्योंकि बालों की क्वांटिटी
जो है ना मतलब कि फाइन आपका बाल ना, तो इसमें बहुत ज्यादा लेयर क्योंकि लेंथ काफी काफी कम हो जाएगी ऐसे, तो ये आपका जो टॉप है ना इसको हम इतना शॉर्ट करेंगे ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे आपके नेक को कवर करेंगे स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप खुले भी रखोगे ना तो बाउंस बाउंस वो अच्छा आ जाएगा ना बालों में नॉर्मली, क्योंकि मैं ना स्ट्रेटनिंग बिल्कुल छोड़ दी है, बहुत अच्छा मैं तकरीबन एक साल से ज्यादा हो गया स्ट्रेटनिंग नहीं कर रही, सिर्फ हेयर मास्क प्रोटीन स्प्रे सीरम बस यही चीजें कर रही, क्योंकि मैंने बड़े जलाए बाल रोज करती थी यार, रोज यूनिवर्सिटी जाना, रोज क्लिनिक जाना, रोज ये सीन चल रहा था। तो जब आप वो आपने कैटिंग भी लिया, आप आयरन इतना करवाते थे तो मैंने एक्सटेंशन कराया, बट वो आपको पता है कि चला जाता है, अच्छा मुझे लगा वो नहीं सही है ना, बट वो मैंने नबीला से कराया था, सॉरी आई एम एक्सपोजिंग यू नबीला, तुम लोगों की सर्विसेज बड़ी गंदी थी यार। अच्छा मैं बड़ी बोल्ड हूँ अपने ब्लॉग्स में, सब्सक्राइबर्स मेरे हैं नहीं, 400 है भाई, लेकिन हम बोल्ड बात करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह 3.5 लाख यार तुम अमीर बंदी हो इस मामले में। मैंने थोड़ी स्टार्ट किया है, मैंने भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं थोड़ा सा तुमसे ले दे मैं आपका ये लगा दूंगी अपने इस पे ना, ठीक हो गया ठीक हो गया, क्योंकि मैंने ना असल में मेरा यार स्केड्यूल बड़ा हेक्टिक है, आपको इसको पूरा टाइम देना पड़ता है व्लॉगिंग को, ईच एंड एवरीथिंग को हैंडल करे, अब मेरा क्लिनिक है साथ रिसर्च है मेडिकल फील्ड से, जो ऊपर से मेडिकल टेस्ट की तैयारी है, तो ये बस शौक के तहत चल रही है चीजें, मुझे ना यार एक्चुअल रिव्यूज है ना बड़ा पसंद है, कि रिसेंटली मैंने इसमें डॉल के प्रोडक्ट्स ट्राई किए एंड इट वेंट वायरल, 3 लाख उस पर व्यूज हो चुके हैं टिकटॉक पे, और उसके ऊपर लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छा यार फेक ट्राई करिए, कोई कह रहा नहीं ऐसे ही था गंदे प्रोडक्ट्स हैं, भाई वो है ही गंदे, लिटरली यार मेरी स्किन खराब हो गई, पूरी खराब हो गई, आई शो यू द वीडियो, उन्होंने कहा था कि उनका जो वो वाइटनिंग मुझे लगाती ना वो थोड़े लिए सेकंड लेकिन बाद में स्किन बहुत ड्राई कर देता है यार, उसने ना स्किन पे स्कारिंग कर दी प्रॉपर, और ये तब से ये स्कारिंग मेरे ठीक नहीं है, जो थोड़ी बहुत नजर आ रही है ना फेस पे ये तब से हुई है, आई थिंक ये महीना पहले की बात है जब मैंने ट्राई किए, तो मतलब मेरा ना कुछ व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक्चुअल रिव्यूज हो, किसी की माँ बाप खराब करनी चाहिए आपको, देखें ना किसी की स्किन खराब करनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो आपने इस्तेमाल किया बाद में पता चल गया कि खराब है, तो आप देखें बोल रहे हैं ना क्या फायदा आपको झूठ बोलने का, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पहली बार हुआ है कि ना मुझे किसी बंदी से ना बड़े फ्रेंडली वाइब आई है वेरी फर्स्ट नोट पे बात करने स्टार्ट करते हैं मुझसे, तो आई हम्बली इनवाइट यू टू फैसलाबाद यार विजिट करने आना, ठीक है मैं मक्खी भी मार सकती हूं, मल्टीटास्कर सिर्फ बाल हमारे काटेंगे इधर ही से भाग गई जरूर आना फैसलाबाद, आई विल होस्ट यू ओवर देयर, ठीक है आपको फैसलाबाद विजिट कराएंगे यार, अभी हम आपका कराची विजिट कर रहे हैं, आपको कराची आप कहाँ कहीं गए नहीं गए थोड़ा सा घूमिएगा जरूर, हाँ अभी सुबह हम लोग गए हैं उधर मजार काय देन मुहाता पैलेस, देन उसके बाद ये अब्दुल्ला शाह गाजी है ना उनका मजार है उधर गए, देन उसके बाद हमारा जो स्टे है वो DHA गोल्फ क्लब में है, और अभी आज तुम्हारे पास आ गई हूँ, अभी रात तो आई हूँ मैं, रात हम 12 बजे पहुंचे हैं, फिर अब रात की फ्लाइट थी, जो क्लब है ना वो सी व्यू की साइड पे ही है, वो जो मेन उसके ऊपर ही है, लेकिन वो जो मेन जो है ना जो इस साइड पे आ रहा है उधर हम अभी निकलेंगे, 2000 years later. पानी वार्म ना कर ले. हाँ वार्म कर ले. Can be new form. You can say. मेकअप बच गया मेरा. शोर किया है मैंने यहाँ पे शोर ज़्यादा था. हाँ मुझे लगता है फिर वो ब्लॉग साथ बनाना है तो फिर शोर में आवाज़ सही है. हाँ मेरे पास नीचे कर. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरे बच्चे डराने हैं. अच्छा ये पंजाबी हैं एक्चुअली, इसलिए इनके साथ भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, तो गुजरांवाला ये गए मैं बहुत. हाँ गुजरांवाला अभी खैर जी इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे हेयर मसाज दिया, ठीक है हेड मसाज, सॉरी हेयर मसाज कह रही, पता नहीं मेरी जुबान ही टूट जाती किस टाइम पे व्लॉग बनाते हुए. गजब बेइज्जती है. तो खैर मसाज बहुत अच्छा था, बड़ा मजे का रिलैक्सिंग, ठीक है बाल धुल चुके हैं, सुबह भी धोए थे आपकी बहन ने, मतलब यार ओके ये ना और सीन होता है थोड़ा शशके मिल रहे होते हैं आपको ना, आई यूजुअली डू रॉ व्लॉगिंग एज यू गाइज नो, स्क्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है प्लान नहीं होता क्या करना क्या नहीं, तो खैर अभी मम्मा हेयर कट कराने गई हैं, उनका हो जाएगा हम देखते हैं. हेलो मम्मा. हेलो ये पीछे मेरी प्यारी सी मम्मा. मम्मा आप आगे आओ थोड़ा जूम हो, एक दे हो रहे हो गया फाइनली यू नो प्लीज.
अच्छा खैर अभी जी हमारा हेयर कट स्टार्ट होने वाला है, अभी मिस मुनज़्ज़ा जो है वो पार्टीशन कर रही हैं। डिस्कशन हमारा हो चुका था कि हेयर कट किस तरह का होगा, दूसरी साइड पर जी अम्मा का भी वही सीन चल रहा है, पार्टीशन है ना। हाँ मतलब अभी सारा कुछ ये स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इनका मेन जो ट्रिक है दैट थिंग यू नो वो हम डालेंगे बाद में, वेट फॉर दैट। 2 hours later मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका। अच्छा तो आपने जब भी ब्रश करना ना, आपने अपने बालों को ऑपोजिट करना, बैक से फ्रंट की तरफ, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, सही होगा कि आपकी रूट्स में वॉल्यूम आएगा और आपका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली विदाउट ग्रोथ इनहेंस होगा। जितना स्पेंड करेंगे ना उतना आपका जो है ना विदाउट ग्रोथ, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ का ग्रोथ मैं करती नहीं हूँ ना, वो ग्लीट की वजह से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। देखा बहुत अच्छा था, अच्छा शेप पकड़ रहा है, एक अब हम करेंगे डन हो गया। ये वो फाइनल जी पार्ट है जिसका आप सबको इंतजार था मेरी तरह, कि ये जो एक ट्रिक के साथ आपके ट्रिमिंग करती हैं बालों की लास्ट पर, ये बहुत मज़े के निकल के आए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली आप ये लुक देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर मैं आपको कॉस्ट वगैरह बता देती हूँ जी, हेयर कट का इनका कॉस्ट था 4500 रुपीज़, ठीक है पर बंदा, ठीक है 4500 मामा का था, 4500 मेरा था। और इसके साथ साथ जी आपको बड़ा अच्छे से ये डील करते हैं, बहुत फ्रेंडली इनकी नेचर है सारे स्टाफ मेंबर्स की। और इसकी लोकेशन है जी कराची में, और आप इनको बुकिंग कर सकते हैं तकरीबन एक हफ्ता पहले। यार आई एम लाइक स्पीचलेस, पहली बार जिंदगी में ऐसे हुआ है कि महाशेख स्पीचलेस हो चुकी है इस बंदी की वजह से। थैंक यू सो मच यार, एक तो इसने इतना अच्छा ट्रीट किया, इतने अच्छे से मेरे से बातें की, ऊपर से इतना अच्छा हेयर कट दिया, और इनपे सूट भी बहुत करा, क्योंकि बाल पैसे रहने थे। हाँ फ्री पैसे फ्री है, फ्री आप अपने वो क्या कहते हैं कुछ क्लाइंट्स को फ्री में ऑफर दिया करो। अभी तो मैडम फेमस हो रही है, यूट्यूब पे भी आ गई है, इन्होंने ब्लॉगिंग चैनल भी अपना स्टार्ट किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो प्लीज, इनके तो ऑलरेडी है वही सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं है। अपने नाम क्या है यूट्यूब नज़र रज़ा, सेम इनका इंस्टाग्राम भी यही है इनका, टिकटॉक वो टिकटॉक इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब सब कुछ यही है।